प्रिंस की नमस्ते बेटा। किस चीज की सिलेक्शन? वाओ बेस्ट ऑफ लक। ये बच्चा है अच्छा। एक तो हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह, अभी सूरज नहीं निकला है। सूरज वहाँ पहुँच गया। हाँ तो वहाँ पहुँचे ना, बाद मैंने बोला निकला नहीं है बादलों से। नमस्ते। मैंने अपने राइनो को भेज दिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा राइनो शेर की तरह जाता है, शेर की तरह। ये देखिए अब ये हमारे लिए वहाँ से मुर्गी पकड़ के लाएगा। आपको जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी और जल्दी और जल्दी कर। चल 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 जल्दी आ। आई चला गई मोटो कहीं की। सुबाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी सुबह और हम जा रहे हैं रोजी राइनो के साथ घूमने के लिए। और मौसम है बहुत सुहाना, बारिश नहीं है आज यहाँ पे, देख सकते हो बादल है। तो राइनो सबसे आगे लीड कर रहा है हमारे यहाँ पे, और रोजी अपने मालिक के साथ उसी सुस्ती से चली है जैसे उसका मालिक सुस्त होके चला हुआ है। ठीक है मालिक, मालिक चलो मालिक नहीं सही तो पापा। चलते हैं अब हम आगे की ओर राइनो के साथ। आज गाय और बच्ची हमें सुबह सुबह देखने को मिली यहाँ पे। चलो तो ये पहुँच गए हम बकराई के मंदिर के पास। और यहाँ देखिए अब यहाँ पे रेत और बजरी भी आ गई क्योंकि रोड का काम शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे डंगा डंगा तो नहीं था, ये नीचे खिसक गया था, यहाँ से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था यहाँ का। तो अब बजरी और ये आ गई है तो यहाँ पे रेत का और ये काम शुरू हो जाएगा। ये रहा हमारा मंदिर, यहाँ आकर हम प्रणाम करेंगे सुबह सुबह। जय प्रभु। क्या रोजो हमारी सुस्त रोजी करीब भयंकर दौड़ के गई, इसका मतलब कुछ है। अब देख रही हूँ यहाँ पे छोटे छोटे फूल लगे हैं, येलो वाइट और रेड कलर के। तो ये पूरे जंगल में ऐसे फूल लग जाते हैं। तो रोजी राइनो की घूमने की फेवरेट जगह है ना रोजू, है ना। तो अभी हम आगे की ओर जाएंगे यहाँ से, देखते हैं। और देखिए राइनो का स्टाइल है, ये देखिए इसको बोलते हैं इसका माइकल जैक्सन स्टाइल। टॉयलेट करने के बाद ये डांस भी करता है। क्यों रोजू है ना, मैं रोजू नहीं करती। अच्छा मैं रोजू थी बहुत प्यारी। एरिया इसका नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि यहाँ कोई फोन ना आ जाए, यहाँ से न्यूज़पेपर भी आ गए हैं सुबह सुबह यहाँ पर। बारिश के बाद ये पूरी जगह ना इतनी ग्रीन हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्रीन। और बोलते हैं ना कि ग्रीन ग्रीन सुबह देखना चाहिए, तो हम बहुत सारा ग्रीन देखते हैं सुबह उठकर यहाँ पर। और राइनो राइनो अभी वापस आया फिर आगे चला गया। और रोजी में भी चली हमारे साथ ही चलती है ना रोजू, जाते वक्त चलती है हमारे से आगे थोड़े से। दो ही सिचुएशन में फास्ट चलती है, एक चलेगी घर जाती बार वो तो चलेगी चलेगी, और एक ये अल्ट्रा स्पीड पे चलती है जब इसको कुछ खतरा महसूस होता है। इधर आओ इधर आओ, गाड़ी आ रही है राइट। कितना अच्छा कलर गया ना गाड़ी का। तो रोजी राइनो क्या है कि हमने विदाउट लीश की ट्रेनिंग दी रखी है, अगर गाड़ी आती है हम गाड़ी बोलें तो ये हमारे साथ इस तरफ आ जाएंगे। अभी एक और गाड़ी आ रही है तो बार मैं आपको दिखाती हूँ, गाड़ी पीछे है अभी। तो जैसे हम इनको बोलेंगे तो दे विल कम टू अस और हमारे साथ चलना शुरू कर देंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ भी फ्लावर्स लगेंगे रोजी इस एरिया में। रोजी साथ आ जा। तो राइनो तो चला गया है ऑलरेडी, रोजी मेरे साथ हैं। पूरे वाली गाली गई है अभी यहाँ से, तो रोजी ये है। चलो रोजू
शिमला में बारिश कभी भी हो सकती है, आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो लोग यहाँ पे जब भी जाते हैं काम पे या सुबह सुबह कभी भी नहीं कर रहे, मौसम साफ है बट अपने साथ अपना अम्ब्रेला जरूर कैरी करते हैं क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम ऐसी जगह पहुँच गए, देख सकते हैं इस दीवार पे भी जो है ना पानी आने की वजह से देखो एक ग्रीन हो गई है पूरी, इतनी सुंदर लगती है यहाँ से। तो वो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा फ्लावर डाइल, वहाँ तक हम जाएंगे अभी। तो ये नीचे हम ले आना और शिमला में यहाँ पे जहाँ रहते हैं एक डिफरेंस है, कुल्लू में सामने बिजली महादेव की पहाड़ी दिखती है बिल्कुल नज़दीक और यहाँ वो जाके पूरे चायल तक का दिखता है ग्रीनरी की। शिमला में जो जगह बनी है यहाँ रेडी है, अभी कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे लोग दिख जाएंगे क्योंकि पानी की टंकियाँ भी लग चुकी हैं और देख रहे हो पेंट हो चुका है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे लोग जो आ जाएंगे, फिर एक तरह से ये कॉलोनी बन जाएगी। तो लोग बच्चे यहाँ पे हमें मॉर्निंग में बहुत दिखाई देंगे, अभी तो सिर्फ वर्कर दिखाई देते हैं और ये पूरी तरह से रेडी है। तो अभी यहाँ से हम आराम से निकल सकते हैं बट हम बाद में थोड़ा सा चहलकदमी करने से पहले यहाँ देखना होगा कोई बच्चा ना हो, किसी को लगने जाए। और बंदर वगैरह नहीं है यहाँ पर क्योंकि अभी है ही नहीं, पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बहुत कम है इस साइड वाले एरिया में, पर आ ही जाएंगे जैसे जैसे आते रहेंगे लोग, गंद बढ़ेगा फिर बंदर भी आएंगे खाने की तलाश में। तो तब यहाँ पे उत्पाती तत्व तो दिखाई देंगे आपको, कि देख सकते हो आप यहाँ से पानी जो ऊपर से नीचे को रिस रहा है, पहाड़ों से टपक रहा है, इतना सुंदर लगता है हमें ये देखना ना सुबह सुबह, बहुत मज़ा आता है। और देखो राइनो कर रहा है हमारा कबूतरों का शिकार, उसे लगता है कबूतर वेट करेंगे और फिर वो शिकार करेगा। रोजू तो मेरा बहुत पीछे है अभी, हम चलते हैं आगे की और मैं दिखाती हूँ आपको फ्लैडर। थे दिन कोशिश करूँगी कि मैं बोलती रहूँ क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वो ऊपर रेड फूल लगा है, तो मेरे हस्बैंड इसको मेरे लिए निकाल के लाएंगे अभी थोड़ी देर में, और ये येलो वाला मैं वो निकाल के लाएंगे फिर मैं उनको दूंगी। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये पहुँच के हम फ्लावर डाल के पास बिल्कुल, अभी हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। एक तो हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह, अभी सूरज नहीं निकला है। सूरज वहाँ पहुँच गया था। हाँ तो वहाँ पहुँचे ना, बाद मैंने बोला निकला नहीं है बादलों से, 8 नहीं बजे ठीक है ना। तो मैं ये बोलने वाली थी कि सूरज बादलों के पीछे अभी पूरा निकला नहीं है ठीक है। और ये गाड़ी आ जाती है, मैं साइड हो जाती हूँ। ये देखिए आराम से गाड़ी चलेगी विदाउट डिस्टर्ब हुए भी। प्रिंस की नमस्ते बेटा, किस चीज की सिलेक्शन? वाओ बेस्ट ऑफ लक, ये बच्चा है अच्छा। तो हमारे प्रिंस की हो रही है सिलेक्शन कबड्डी में, फिर वो इंटरनेशनल खेलेगा कबड्डी। चलो आप कौन से स्पोर्ट्स में थे? क्रिकेट में। सच में बताओ, मैं तो देखो इंटर विलेज क्रिकेट। तो मैं हस्बैंड को बहुत प्राउड करती हूँ। और देखो मेरा राइनो फिसलते हुए भी किस तरह से इस पहाड़ी पे चढ़ गया, बाधाओं को पार करते हुए मेरा राइनो इतने ऊपर पहुंचा। मेरा राइनो ये देखिए इसको, देखिए इस लड़के को टांग में लगे बच्चे। चलो चलो जी राइनो, राइनो हमेशा नए नए रास्ते एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है ताकि थोड़े अपने आप ही अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें। तो इतनी इसको पूरी नॉलेज होती है कि मेरे को इस टाइम के बाद मॉर्निंग वॉक के बाद जो अंदर ही रहना पड़ेगा, तो अपनी पूरी वॉक जो है वो इस तरह से क्रिएट कर देता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, हार्डवर्क करनी पड़े। तो मैंने अपने राइनो को भेज दिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा राइनो शेर की तरह जाता है, शेर की तरह, ये देखिए। अब ये हमारे लिए वहाँ से मुर्गी पकड़ के लाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ राइनो मुर्गी कैसे पकड़ता है। अभी तो बहुत ऊपर चला गया, अब मैं इसको यहाँ से देख सकती हूँ जंगल में जाते हैं। ये इसलिए इतने दूर तक जा सकता है मतलब कि हमारे बोलने पर, क्योंकि हम इसको पता है कि हम इसका वेट करेंगे। तो इसको पता है कि कम राइनी आ जाओ बेटा, क्या
हम नहीं आएंगे बेटा, हमने नहीं आना ऊपर। आप इसका गैस चल गया है, ये बोल रहा है आओ आओ, आप लोग भी आओ, हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये वही कर रहा है जो बचपन में करता था। रोजी का पार्क था, वहाँ बैठ जाता था ना। आओ जल्दी आओ, मैंने तो यहीं से जाना। चलो किसी और दिन आएंगे राइनो। चलो आप दूसरा, ये दूसरा वो लेके आ रहा है, रास्ता पकड़ा है इसने दूसरा। ये इसे इंटेलिजेंट बॉय, पता आपको। आजा राइनो, आजा घूमना, हो जाना बस जंगल में। आज हम तेरा वेट कर रहे हैं। मैं राइनो निकलेगा यहाँ से, हम बाप घने जंगलों के बीच से ये निकल रहा है राइनो। ये देखिए मेरा बीबी, मेरा बुबू। देखो काफी कहाँ है कावी, कावी भैया वो काबू आया है घूमने मंदिर के पास, देखा आपने? नहीं देखा? बोल रहा है ये कुछ। नमस्ते काबू, नमस्ते। अभी कैमरे की तरफ हो गया इसका ध्यान ना, अभी कर रहा। नमस्ते ऐसे कर, नमस्ते कर बेटा। अभी नहीं, अभी इसका ध्यान ना कैमरे की तरफ चला गया। नमस्ते काबू, डॉगी कहाँ है? कहाँ है डॉगी काबू? भाऊ कहाँ है? चलो बाय काबू, बाय। ठीक है भैया, देखिए राइनो किस तरह से खतरनाक तरीके से यहाँ पे चलता है, वॉक करता है। भाई बहुत डेंजरस डॉगी है ये, क्यों राइनो? इसको पता है कि इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं और हर एक्टिविटी इतने ऐसे शो करता है कि नहीं भी मैं स्पेशल हूँ और मैं रोजू, आई डोंट केयर अबाउट, डोंट शूट मी। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर है इन दोनों का। रोजू तो कभी जानके फोटो बोल दिया, फोटो भी नहीं देती मैडम। ऐसे इतने प्यार से बैठे, फोटो खींचने लगे तब एकदम से मुंह फेल होती है।